गुड डे स्टूडेंट्स, मैं एज एजुकेशन से विवेक श्रीवास्तव आपके सामने फिर एक नई क्लास, एक नया चैप्टर के साथ। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर शायद जो पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था। आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा बेसिकली कि यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट ऑफ़ द कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ़ द कंप्यूटर सिस्टम्स में हम कितने तरीके के कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं। इस फिगर में ऊपर आपके सामने जो फिगर आ रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक साइड ये आपका जो दिया हुआ है, ये बेसिकली इनपुट का पोर्शन है, ये प्रोसेसिंग का पोर्शन है और ये आउटपुट का पोर्शन है। तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर को कुछ भी काम करने के लिए उसको इनपुट चाहिए होता है और ये इनपुट हम इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में दिखा रहा है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे मेन इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। तो हम लोग आज कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में जैसे माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, इमेज इनपुट कराने के लिए स्कैनिंग डिवाइसेस हो गए, वॉइस इनपुट कराने के लिए वॉइस इनपुट डिवाइसेस हो गए, और डिजिटल कैमरा जहाँ से हम डायरेक्टली पिक्चर्स को हम इनपुट करा सकते हैं। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड आपके सामने दिखाई पड़ता है जिसमें जो कीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं QWERT। तो QWERT फॉर्मेट होता है। आज की डेट में जब आप मोबाइल में भी काम करते हैं तो मोबाइल में भी कहीं ना कहीं आपको बोलता है कि अगर आप QWERT फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी टाइपिंग ईजी हो जाती है। तो ये आपके सामने कीबोर्ड है, आप अपना कीबोर्ड भी देखिएगा, पूरा स्टडी करिएगा उसको सही से। तो इसमें क्या है, बहुत तरीके की कीजेस हैं और ये जो कीज़ हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की भी आपको मिलेंगी। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दे रहा है वो दे रहा है फंक्शन कीज़। ये जो फंक्शनल कीज़ होती हैं ये F1, F2, F3 से ले करके F12 तक होती हैं। तो ये जो फंक्शनल कीज़ होती हैं इनका काम कुछ अलग सा होता है, इसलिए इनको फंक्शनल कीज़ कहा गया, क्योंकि एक सिंगल की पूरा पूरा फंक्शन कर सकती है। जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप F1 दबाते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी। तो F1 में एक ऐसा प्रोग्राम दिया गया है जिससे कि हेल्प ऑप्शन ओपन होकर के आए। टैली में जैसे आप काम करते हैं तो आप F4 दबाते हैं तो एक वाउचर खुल करके आता है, F5 दबाते हैं तो आपका अपना एक वाउचर खुल करके आता है जिसको पेमेंट वाउचर कहते हैं, F6 दबाते हैं तो रिसीट वाउचर खुल करके आता है। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वाउचर ओपन होकर के यहाँ पर ओपन होते हैं। तो यू विल फाइंड कि फंक्शनल कीज़ जो है कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए बनाई गई है, और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में भी इनका काम हो सकता है और विंडोज़ में भी इनका काम फिक्स है। जैसे कि आप MS ऑफिस में अगर आप F7 दबाते हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक स्टार्ट होता है। तो ये फंक्शनल कीज़ है जो अपने आप में एक कंप्लीट की होती है और इनसे अपना एक फंक्शन होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है न्यूमेरिकल कीज़। तो न्यूमेरिकल कीज़ ये हैं 1 से लेकर के आप देख सकते हैं कि 0 तक, ये सारे नंबर्स को प्रिंट करते हैं, ये आपकी न्यूमेरिकल कीज़ है। उसके बाद ये सारी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं जिनको आप नॉर्मल कीज़ के अंतर्गत देख सकते हैं। A से लेकर के Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें दिए हुए हैं, ये आपकी जो बोली जाती है ये अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं और नॉर्मल कीज़ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो स्पेशल की। स्पेशल कीज़ का काम भी अलग से है और ये हो सकता है आपके कीबोर्ड में शेप एंड साइज़ में भी अलग अलग तरीके से बना हो। तो यहाँ पर सबसे पहली स्पेशल की जो आपके सामने दी हुई है वो है ESC यानी एस्केप। अभी मैं बताता हूँ एस्केप का काम क्या है। एस्केप का वैसे जो मतलब होता है वो होता है कि आपको किसी चीज़ से बचाना। अभी आप बहुत कंप्यूटर में माउस ऑपरेटर बहुत अच्छे नहीं हो पाए थे और आपने जैसे ही माउस से स्टार्ट बटन को क्लिक किया गलती से आपका शटडाउन का बटन दब गया, और जैसे ही आपका शटडाउन पे क्लिक हो गया आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आ गया। अभी इस बॉक्स को हटाने के कई मेथड हैं। आप उसको कॉर्नर से क्लोज बटन पे जा करके क्लोज कर सकते हैं। आप उसमें देखेंगे तो कैंसिल का कहीं ना कहीं बटन मिलेगा, आप कैंसिल पे भी क्लिक करेंगे तो भी ये हट जाएगा। बट एक ये की है एस्केप की, अगर आप ये भी दबाते हैं तो आराम से वो बॉक्स आपका हट जाएगा। तो आपको एस्केप ने इस चीज़ से, इस ऑपरेशन से बचा लिया।
तो इसलिए ये स्केप की है जिसका इस तरीके से काम होता है, काफ़ी जगह पे आपको बैक स्टेप ले जाने का और सॉफ्टवेयर से आउट करने का काम आपका स्केप की का होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टैप की है, बट इस टैप की से ज़्यादा ज़रूरी पहले हम इस स्पेस की को समझ लें। ये जो स्पेस की है काफ़ी बड़ी सी आप देख रहे हो, ये क्या काम करता है, ये आपको क्लिक करने पर एक स्पेस का गैप देने का काम करता है, यानी कि एक ब्लैंक स्पेस देने का काम करता है। मान लेते हैं मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है, तो मुझे विवेक के बाद एक स्पेस चाहिए, उसके बाद श्रीवास्तव लिखना है, तो इस वो जो स्पेस है वो स्पेस इस की से आएगा यहाँ पर। लेकिन अभी हमको कोई टैबुलेटिंग वर्क करना है, टैबुलेटिंग वर्क का मतलब है जहाँ पर डेटा टैबुलेट होता हो, जहाँ पर जैसे एक बिल फॉर्मेट देख लेते हैं। तो बिल फॉर्मेट में क्या है कि हमने एक इलेक्ट्रिक शॉप का लिया है कि बल्ब लिखा हुआ है, और बल्ब के बाद कम से कम 20 स्पेस या 24 स्पेस के बाद उसके प्राइसेस लिखे हुए हैं। तो इस तरीके का अगर हमें टैबुलेटिंग वर्क करना हो तो हम इस टैब की का इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टैब होता है ये एक बार क्लिक करने पर 8 स्पेस देता है, यानी अगर आपको 8 स्पेस चाहिए तो आपको ये 8 बार दबाना पड़ेगा, बट ये एक बार दबाओगे तब ये आपको 8 स्पेस मिल जाएगा। तो आप इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, आप इसको 16 स्पेस भी कर सकते हैं, आप इसको 5 स्पेस भी कर सकते हैं, आप इसके 10 स्पेस भी कर सकते हैं। तो जितने पे आप इसको सेट कर दोगे ये एक बार की दबाने पर उतना स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ये टैबुलेटिंग की है जो टैब देता है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखें तो कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक की का काम क्या होता है कि बेसिकली हमारे इस कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स बने हैं ये कैपिटल और स्मॉल दोनों में काम करते हैं। तो ये जहाँ पर ए दिख रहा है ये ए कैपिटल भी प्रिंट करेगा और यही ए स्मॉल भी प्रिंट करेगा। तो जब आप कैप्स लॉक दबाते हैं, ये टॉगल की होती है, इसको आप दबाते हो तो यहाँ पर आपको एक ये जो LED लाइट यहाँ पर दिखाई पड़ेगी ये आपको जलेगी और बुझ जाएगी, ऑन ऑफ होती है यहीं से। तो एक बार दबाने से ये ऑन हो गया, एक बार दबाने से ये ऑफ हो गया। तो अगर आपने इसको दबाया और ये ऑन हो गया तो इसने कैप्स पे इसको लॉक कर दिया, यानी अब आप जितने भी अक्षर यहाँ पर क्लिक करोगे वो सब कैपिटल लेटर में ही आएंगे। और दोबारा दबा दोगे तो यहाँ पे LED लाइट ऑफ हो जाएगी, इसका मतलब ये अब ऑफ हो गया है। अब आप कितने भी अक्षर दबाओगे वो सब स्मॉल लेटर्स में आएंगे। तो ये कैप्स लॉक है जो बहुत काम आती है, और ऑन ऑफ करके आप इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स में काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके नीचे एक शिफ्ट की दी हुई है, ये जो शिफ्ट की आपके सामने आ रही है आप देख सकते हैं कि इसमें कैरो बना हुआ है, ठीक है। तो शिफ्ट की का जो काम होता है ये काम बड़ा अच्छा है, कई सारे काम है। जैसे कि आप ऊपर न्यूमेरिक कीज़ में देखें तो उसमें हर कीज़ में 2-2 लेटर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। जैसे कि आप 1 देखेंगे तो उसके ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, 2 देखेंगे तो उस पर @ का साइन है। तो ऐसे अगर आप इस की को क्लिक करेंगे तो वो 1 और 2 पे काम करेगा, बट जब आप शिफ्ट को होल्ड करके यानी शिफ्ट को दबा करके आप प्रिंट करेंगे तो ये इसके काम को ऊपर शिफ्ट कर देगा, यानी कि 1 को क्लिक करोगे तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क देगा शिफ्ट अगर दबा हुआ है, आप 3 को क्लिक करोगे तो ये हैश साइन देगा। इस तरीके से ये हमारे वर्क को, हमारी कीज़ को शिफ्ट कर देता है। ये बेसिकली शिफ्ट की का काम है, पहला काम तो ये है। दूसरा जो काम है वो ये काम है कि मान लेते हैं कि हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में चल रहे हैं, और अभी आप शिफ्ट को दबा करके अगर प्रिंट करोगे तो वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे। यह सब स्मॉल लेटर्स में चल रहे हैं और आपको काम करते समय पहला लेटर कैपिटल लिखना पड़ता है, तो आपको कैप्स लॉक दबा करके ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप शिफ्ट को होल्ड करके आप ए दबा दीजिए तो कैपिटल आ जाएगा, या जो भी लेटर आपको दबाना है वो दबा दीजिए कैपिटल आ जाएगा, और उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, सब स्मॉल लेटर्स आते रहेंगे। इस जगह पर भी जितनी कीज़ हैं इनमें भी शिफ्ट का वही काम है। अगर आप ऐसे दब क्लिक करेंगे तो ये जो नीचे लेटर्स बने होंगे ये वाले काम करेंगे, और जब शिफ्ट को दबा दोगे तो ये सब ऊपर वाले लेटर्स काम करने स्टार्ट कर देंगे। तो दूसरा शिफ्ट का काम ये है। और तीसरा काम मैं आपको बता दूं कि शिफ्ट का काम है, अगर आप अपने कीबोर्ड से ही किसी भी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट को दबा करके इन एरो की से अप डाउन करके आप किसी भी लाइन की तरफ बढ़ सकते हैं और उनको क्लिक करके आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 तरीके की कीज़ दी हुई है, एक दी हुई है CTRL और यहाँ पर दिया हुआ है ALT। तो शिफ्ट और कंट्रोल बेसिकली ये दोनों कीज़ अपने आप नहीं काम करती हैं, ये दोनों किसी न किसी की के कॉम्बिनेशन के लिए काम करती हैं। जैसे कि अगर आपने कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल के साथ सी दबाया तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। मैक्सिमम एप्लीकेशंस में आपको ये फंक्शन मिलेगा,
कंट्रोल बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से इन कीज के साथ में आप किसी की को दबाओगे तो कुछ ना कुछ ये स्पेशल टास्क को परफॉर्म करेगा। सेम एज अल्टर की करता है, अल्टर एफ दबाया तो फाइल मेन्यू ओपन हो गया, अल्टर ई दबाया तो एडिट मेन्यू ओपन हो गया, अल्टर सी दबाया तो डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज को ओपन करेगा ये आपका अल्टर। तो अल्टर के साथ भी हम बहुत सारी चीज काम को करते हैं, बहुत सारे सिलेक्शंस को करते हैं, तो ये आपका अल्टर की है। अभी इसके बीच में आप देख लें कि यहाँ पर एक की आ रही है विंडो की, इसमें विंडो बना हुआ है। तो अगर आप ये चीज़ देखें तो आपके कंप्यूटर में भी जहाँ पे सॉफ्टवेयर जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पर भी विंडो बना होता है। तो बेसिकली ये जो की है ये स्टार्ट बटन की है, आप इसको दबाएंगे तो सीधे स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा और आप उससे अंदर आप प्रोग्राम्स में जा कर के आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं या जो भी आपको टास्क करना है या जो भी आपको काम करना है आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये काम विंडो की का होता है, आप विंडो की के साथ कर सकते हैं। सेम इस तरफ भी यही कीज़ बनी हुई है जिसमें ऑल्टर कंट्रोल का तो वही काम है, विंडो का वही काम है। और ये एक जो की है ये प्रॉपर्टी की है। प्रॉपर्टी की का काम क्या होता है बेसिकली कि आपके स्क्रीन पर आप किसी भी चीज़ पर जब राइट क्लिक करते हैं तो उसके काफ़ी सारे सब ऑप्शंस खुल करके आ जाते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। तो आप अगर उसको कीबोर्ड के माध्यम से करना चाहें तो आप इस कीबोर्ड के माध्यम से इस बटन को दबा देंगे तो ये प्रॉपर्टी की है और उस चीज़ का प्रॉपर्टी ला देगा। जैसे आप डेस्कटॉप पे अगर आप राइट क्लिक माउस का करते हैं तो आप देखिएगा एक ऑप्शन आता है जिसमें रिफ्रेश और इस तरीके के ऑप्शंस होंगे। आप यहाँ से डायरेक्टली भी आप इस पर क्लिक कर देंगे तब भी वही काम होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो कंट्रोल है, शिफ्ट है, ये वही काम करता है। फिर ये मिलती है हमें एंटर की। एंटर की इज़ द मास्टर की, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली की आपकी एंटर की है। अगर हमें लाइन ब्रेक करना है तो हमने एक लाइन लिखा, एंटर पे क्लिक किया, लाइन टूट के नीचे आ गई यानी कि नहीं आ गई लाइन, तो न्यू लाइन करने का काम भी एंटर करता है। आपको कोई कमांड चलाना है तो आपने कमांड लिखा, एंटर किया तो ये हो गया। आपको किसी सॉफ्टवेयर में जाना है तो आपने सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट किया, एंटर किया तो आप उसमें चले गए। तो एंटर की इज़ द मास्टर की, सबसे ज़्यादा काम करने वाली या काम को ओके का निर्देश देने वाली जो की है वो कहीं ना कहीं आपकी एंटर की है। इसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको बैकस्पेस। बैकस्पेस की बहुत अच्छा है, हमें होता क्या है कि हमसे काम करते करते कभी कोई गलती हो गई तो हमें पीछे जा करके वापस बिगाड़ करके हमें अगर कुछ काम करने की ज़रूरत है तो ये की हमारी बैकस्पेस का काम करती है। आप बैकस्पेस दबाते जाइए और ये पीछे से सारी चीज़ों को रब करता हुआ चला जाएगा। तो ये बैकस्पेस की का काम है, बहुत अच्छा काम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप देखिएगा। तो ये एक पार्ट था जो हम लोगों ने काफ़ी सारा क्लियर कर लिया और मुझे लगता है कि आपको ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी इसका जो मिड पोर्शन है इस पर हम लोग आते हैं, इस वाले पार्ट पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर की जो की है वो एरोज़ बने हुए हैं ऊपर नीचे का और लेफ्ट एंड राइट का। तो बेसिकली हमारा जो कर्सर होता है जहाँ पर हम टाइपिंग करते हैं, इस कर्सर को ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट मूव कराने का काम इस एरो की का होता है। तो इस एरो की के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से कहीं पे भी कर्सर को मूव करा सकते हैं, या फिर अगर हमें किसी लाइन को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट को होल्ड करके, शिफ्ट को दबा करके अगर ऊपर नीचे करेंगे तो भी हमारा ये यहाँ पे जो कर्सर होगा वो उस लाइन को सिलेक्ट करता हुआ चला जाएगा। इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 6 कीज दिख रही हैं जिसमें सबसे पहला है इंसर्ट। इंसर्ट भी एक टॉगल की है जो हमें दिखाई कभी कभी नहीं पड़ती है क्योंकि इसका कोई वहाँ पर आपका कोई लाइट से कनेक्शन नहीं है कि आपको कोई एलईडी लाइट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिले, बट आपको इसको देख करके पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है ये यहाँ पर ओ नहीं लिखा हुआ था, लिखा था CMPUTER और ये गलत था, हमको इसको सही करना है। और इसके आगे हम लोगों ने बहुत सारा काम कर रखा है। तो एक तो तरीका था हम बैक स्पेस से इसको पूरा बिगाड़ें, या दूसरा तरीका है हम इस एरो की के माध्यम से अपने कर्सर को एम पे ले जाएं। अब अगर हमारी इंसर्ट की ऑन है तो हमारे ओ को प्रेस करते ही ये बाकी के करेक्टर्स को आगे शिफ्ट कर देगा और ये ओ यहाँ पे ले आएगा, यानी हो जाएगा CompuTER कंप्यूटर, यानी हमारी स्पेलिंग सही हो जाएगी। दूसरा, अगर ये ऑफ है तो अगर हमारा कर्सर एम पे है तो ये M को रब करके O कर देगा। तो ऑन ऑफ करके भी आप इसको चला सकते हैं, ऑन करके भी चला सकते हैं और ऑफ करके भी चला सकते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने आपको वो भी क्लियर करा दिया। डिलीट का
जो काम है वो ये है कि आप जहाँ पर भी कर्सर रखेंगे डिलीट करते रहेंगे, वो करेक्टर डिलीट होता चला जाएगा, और आप डिलीट दबाए रखेंगे तो एक एक करके सारी करेक्टर्स और फिर सारी लाइनें फिर सारे पैरा डिलीट होते हुए चले जाएंगे। तो ये इंसर्ट और डिलीट दोनों कीज़ का काम है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें होम और एंड, ये दो कीज़ आ रही हैं। अभी अगर हमारी ये लाइन है अ कीबोर्ड कंटेन कीज़ ऐसे करके, और हमारा कर्सर टाइप करते करते यहाँ सबसे लास्ट में आ गया है, और हमें सबसे फर्स्ट करेक्टर पे अपने कर्सर को पहुँचाना है, तो आप केवल होम दबा दीजिए और ये आपका एक बार में आपका कर्सर सबसे फर्स्ट करेक्टर पर जंप हो जाएगा। ये होम की का काम है, और इंड की का यही काम है कि अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सबसे लास्ट में यानी लास्ट करेक्टर पर आपको ला के रख देगा। तो होम एंड से आप कर्सर को वन टाइम पे ही जंप करा करके स्टार्टिंग पॉइंट पर, और वन टाइम पे ही जंप करा करके उस लाइन के एंडिंग पॉइंट पर आप उसको पहुंचा सकते हैं। अभी पेज अप पेज डाउन, ये दो कीज़ आपको यहाँ पर और दिखाई पड़ती हैं। बेसिकली पेज अप का क्या है, अगर हम लोगों ने 10, 20, 30, 40, 50 जितने पेजेस भी काम किया है, अगर हमने हर पेज पर 10, 10, 20, 20 लाइंस भी काम किया है, तो अगर हम ऊपर वाली एरो की से जाते हैं तो एक एक लाइन को ऊपर करते हुए आएगा। यानी कि अगर हमारी 10 लाइंस हर पेज पे हैं और 30 पेज है, तो हमें 300 टाइम्स लगेगा क्लिक करने पर, तब हम ऊपर वाले पेज पर पहुंच पाएंगे। बट पेज अप क्या होता है, वन टाइम क्लिक करने पर एक पेज आपको ऊपर कर देता है, दोबारा क्लिक करने पर दूसरा पेज, तीसरा। तो पेज अप एक एक पेज करके ऊपर की ओर हमें ले जाता है, और पेज डाउन एक एक पेज हमें नीचे की ओर ले आता है। यानी 30 पेज पर जहाँ हमें 300 बार क्लिक करना पड़ता, वहाँ पर हमें 30 टाइम ही क्लिक करने पर हमारा काम हो जाएगा, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ये कीज़ का काम है पेज अप एंड पेज डाउन का। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये आपको ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है, ये है प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पेज पॉज एंड ब्रेक। अभी प्रिंट स्क्रीन का काम क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पर जो भी आ रहा है, आप एक बार इसको क्लिक कर देंगे और कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोल करके उसके ऊपर आप उसको पेस्ट करा दीजिए, तो आपकी पूरी पूरी स्क्रीन को ये पेस्ट कर देगा। तो स्क्रीन को कॉपी करने का काम होता है प्रिंट स्क्रीन की का। मान लेते हैं इस समय मेरी स्क्रीन पर जो भी फिगर आ रही है, अगर मुझे इसको ही कहीं पेस्ट कराना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन को दबाऊंगा, और दबा करके मैं कोई भी सॉफ्टवेयर पेंट खोल करके, एमएस वर्ड खोल करके उस पर जा करके पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करते ही ये पूरी पूरी स्क्रीन वहाँ पर कंट्रोल वी से या पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करने पर, या राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करने पर पूरी पूरी स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। तो ये बहुत काम होता है। कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट पे हमें कोई चीज़ समझ में आ गई, या हमने कोई बैंक का ट्रांजेक्शन किया, हमें उसका प्रिंट फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, तो हम प्रिंट स्क्रीन मार करके एज ए एविडेंस उसको अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल लॉक है। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये LED जल जाएगी, और ये लाइट जलने से अगर आप एरो की दबाते हैं, तो एरो की दबाने से अभी क्या हो रहा था, वो लाइन को ऊपर ऊपर एक एक करके कर रहा था, बट जब स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो लाइन ऊपर नहीं होगी, इसको क्लिक करने से पेज ऊपर नीचे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये स्क्रॉलिंग को लॉक कर देगा। तो ऑन ऑफ है, टॉगल की है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पेज ब्रेक और पॉज। ये क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, और कोई ऐसे कमांड से जो तुरंत से आके चले जा रहे हैं, बट मुझे उसको पढ़ना है, तो स्टार्टिंग के ही पॉइंट पे अगर आप उसको पॉज बटन दबा देंगे तो वो वहाँ रुक जाएगा, और तब तक रुका रहेगा जब तक आप दूसरी की दबा करके उसको आगे नहीं बढ़ाते। तो स्क्रीन को पॉज करने का काम पॉज एंड ब्रेक करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीन कीज का भी काम आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये जो है, ये कैलकुलेटर टाइप न्यूमेरिक कीपैड है। हम मोबाइल चलाते हैं तो हमें ऐसा न्यूमेरिक कीपैड मिलता है, हम फ़ोन चलाते हैं तो हमें ऐसा कीबोर्ड मिलता है, हम कैलकुलेटर चलाते हैं तो भी हमें ऐसा मिलता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड है, आप इससे कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने हो तो आपको इजी रहता है, आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इससे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एंटर और दिया जाता है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन है। अगर आप नमलॉक कर देते हैं तो हर एक की के साथ कुछ और ऑप्शन भी लिखा हुआ है, जैसे 7 के साथ होम है, 8 के साथ अप एरो की है, 9 के साथ पेज अप है। तो जब आप इसको ऑफ कर देते हैं, मतलब जब आप इसको ऑन कर देते हैं, तो नम लॉक हो जाता है, और तब ये ऑप्शंस काम करने लग जाते हैं जो इसके साथ दिए हुए हैं। लेकिन जब आप इसको ऑफ कर देते हैं तो बाकी के काम होने लग जाते हैं। तो ये आपका पूरा न्यूमेरिक की पैड है, जिसके माध्यम से आप न्यूमेरिकल वर्क्स को बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ये आपकी LED इंडिकेटर्स हैं, जिनके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि कौन सी कीज़ एक्टिव है और कौन सी कीज़ डीएक्टिव है।
ये स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आपका पूरा कीबोर्ड, इतनी सारी कीज़ होती हैं। अब तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी आते हैं जिसमें मल्टीमीडिया कीज़ हैं, आप अपने कीज़ के माध्यम से ही वॉल्यूम्स आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके के मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी आ गए हैं, और ये हमारे इनपुट डिवाइस का सबसे पहला इनपुट डिवाइस था जो मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे के इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। थैंक यू।